नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके और 1 बजने के साथ ही तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले यूपी की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम बात करेंगे, मर्डर का जौनपुर और मुंबई कनेक्शन। लेकिन इस बीच खबर है कि कोर्ट और कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर। थोड़ी देर में शासन की ओर से की गई जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी डीजीएलओ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी जिलों के कप्तान सीपी एडीजी आईजी डीआईजी जुड़ेंगे। कोर्टरूम कोर्ट परिसर की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो इस घटना के बाद आपको बता दें पुलिस महकमे की बड़ी बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी डीजीएलओ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी जिलों के कप्तान सीपी एडीजी आईजी डीआईजी जुड़ेंगे और कोर्टरूम और कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर इस तरह की घटना होती है तो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और इसलिए पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कैसे कोर्ट के अंदर हथियार गया, कैसे एक शख्स खुलेआम हत्या कर देता है अपराधी की। तो यह एक सबसे बड़ी बात है। चलिए, अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, एक बड़ी बैठक होने जा रही है इस घटना के बाद। सबसे बड़ी बात है कि यूपी के लोग तो अपने आप को खुद महफूज समझते हैं, लेकिन अब यूपी में यह देखा जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो महफूज नहीं है, इसलिए अब उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी खुद प्रमुख सचिव गृह डीजीपी डीजी स्पेशल सबकी एक बैठक की थी और इस वक्त भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। तो अब 1 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी, पूरे यूपी के अधिकारी उसमें जुड़ेंगे और किस तरह से जो सुरक्षा है उसको पुख्ता किया जाए। जो अदालतें हैं उसको लेकर भी सुबह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जितने भी कचहरी हैं जनपद न्यायालय वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए। एक प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको लेकर भी कहा गया है कि जो अदालतें हैं जजेज हैं जो जुडिशरी है उनसे भी बात की जाए, क्योंकि जब भी चेकिंग जाती है सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाता है तो अधिवक्ताओं की तरफ से ही कहा जाता है कि हम ही सबसे बड़े अपराधी, हमें क्यों चेक किया जा रहा है और फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के जितने बड़े अफसर हैं वो जुडिशरी जो न्यायिक अधिकारी हैं न्यायिक जजेज हैं उनसे बात करें और इस पूरी व्यवस्था को माकूल करें। उसको लेकर अब प्रमुख सचिव गृह डीजीपी डीजीएलओ सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। हो सकता है उसमें मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर के लिए जुड़े क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और देखिए जिस तरह से वारदात हुई है उस पर एसआईटी गठित है, वो अपना काम कर रही है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो नीलाब्जा चौधरी है, प्रवीण कुमार है, वो अलग से काम कर रहे हैं। अलग पूरा जो एक खाका ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि नए तरीके से अपराध हो रहा है, नए तरीके से गैंगवार हो रही है और जिस तरह से अपराधियों की भिड़ंत है, एक अपराधी दूसरे को मार रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कहीं बदलना है। और जो न्यायालय है, सभी जिलाधिकारी सभी पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कि वो अपने अपने जिले का ब्लूप्रिंट बनाकर दें और क्या वहां तैयारी है और क्या आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों में जो इक्विपमेंट है, जो मेटल डिटेक्टर है, जो पुलिस फोर्स है, वो पहले से दी जा चुकी है, सिर्फ उसको सख्त करना है। क्योंकि अधिवक्ताओं की तरफ से बार बार कहा जाता है हमारा कार्ड क्यों देख लिया, हमें क्यों चेक किया जा रहा है, क्या हम ही सबसे बड़े दोषी हैं। हम तो इन सबको लेकर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल अदालतों की सुरक्षा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अजीत हमारे सहयोगी आपको बता दें, हमें लखनऊ से अपडेट कर रहे थे कि एक बड़ी बैठक होने जा रही है।